देश में पिछले 24 घंटे के भीतर रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना वायरस संक्रमण के 4213 मामले सामने आए हैं। इसके बाद आज देश में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या 67152 पर पहुंच गई है। इसके अलावा 97 लोगों की मौत के बाद कोरोना वायरस अब तक देश में 2206 लोगों की जान ले चुका है। मंत्रालय ने बताया कि कोविड-19 संक्रमित 44029 लोगों का उपचार फिलहाल हो रहा है। इसके अलावा 20916 लोग स्वस्थ हो गए हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। इसी बीच कोरोना वायरस संक्रमण का एक मामला सामने आने के बाद में दिल्ली के श्रम शक्ति भवन को सील कर दिया गया। दरअसल श्रम शक्ति भवन बिल्डिंग में कार्य करने वाले ऊर्जा मंत्रालय का एक कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव यहां पाया गया। इसके बाद सरकार ने एहतियात के तौर पर पूरी बिल्डिंग को खाली करवाया और उसे सील किया है और उसके बाद में सैनिटाइजेशन का कार्य वहां पर जारी है। इसके अलावा सभी कर्मचारियों को अपने ही घर से कार्य करने के निर्देश यहां पर दिए गए।